नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, क्या चाइना के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, क्या चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्यों चाइना के खिलाफ सरकार घुटने टेक रही है जब वो हमारे सीमा के अंदर 10 किलोमीटर से भी ज्यादा करीब 18 किलोमीटर के आसपास घुस कर आया है। इतने दिन होने के बावजूद सरकार की वो प्रतिक्रिया नहीं है जो किसी संप्रभुता का निर्देशन देती हो, लेकिन देश कह रहा है, देश मांग कर रहा है कि चाइना का बार बार करीब पिछले कुछ सालों में भारत की सीमा में 1000 के आसपास बार उसने घुसपैठ की है और फिर भी हम बस कागदी तीर चला रहे हैं, वो भी शांति के कबूतरों के बलबूते। अभी भी 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीता है, लेकिन 9 तारीख को हमारे विदेश मंत्री चीन जाएंगे, तब शायद कुछ बातचीत होगी। तब तक चाइना इस बात को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं कि उसने कोई घुसपैठ की है। वो तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार बताता है। देश के 4,500 किलोमीटर पे सीमा में अगर वो 2-4 किलोमीटर भी आगे आता है तो कई लाख किलोमीटर का क्षेत्रफल हमारा चीन के पास जाता है। जिस देश का राष्ट्रवादी, जिस देश का देशभक्त समाज 1 सेंटीमीटर भूमि किसी देश को नहीं देना चाहता, उसके लिए वो बलिदान देने के लिए करोड़ों की संख्या में तैयार है, वहां पर सरकार का यह रवैया निश्चित तौर पर देश को हजम नहीं हो रहा है। ऐसे में इस विषय पर क्या है देश का कहना, क्या कहता है हिंदुस्तान का आवाज, क्या है उनकी राय, यह समझने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं आज का बिंदास बोल कि क्या चाइना को सबक सिखाना जरूरी है, क्या है आपका कहना। आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी कॉल, आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। शुरुआत से ही चीन की छवि एक पैंतरेबाज देश की रही है। वो हमेशा खुद को एक महान देश और विश्व महाशक्ति बनने का दिखावा करता रहता है, मगर चीन की विस्तारवादी हरकतें पूरे विश्व को उसकी असली मानसिकता को दिखाने के लिए काफी हैं। आज एक बार फिर चीनी सैनिकों ने हमारे देश की पवित्र भूमि पर अपने नापाक कदम रखे हैं। कई हफ्तों से चीनी फौज ने सीमांत के दौलत बेग उल्डी क्षेत्र में घुसकर अपने तंबू गाड़ रखे हैं। वो नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सीमा में कई किलोमीटर तक अंदर घुस चुका है। चीनी सैनिक पिछले कई हफ्तों से भारतीय सीमा के क्षेत्र में हैं। हमारे हुक्मरान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बार बार घुसपैठ के बाद भी चीन नियंत्रण रेखा की दुहाई देता रहता है। ये पहली बार नहीं है जब चीनी सैनिकों ने ऐसी गुस्ताखी की। इससे पहले भी चीनी सैनिक जून 1986 में सोम दोरोंग चू में ऐसा कर चुके थे। पिछले कई सालों में चीनी सैनिकों ने हजारों बार घुसपैठ की है। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन ने अपने सभी पड़ोसी देशों से पंजा भिड़ा रखा है, फिर चाहे वो जापान हो या वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, कोरिया, मलेशिया या फिर रूस हो, सभी से चीन का सीमा विवाद है। सिर्फ भारत के दुश्मन देशों से चीन का सीमा विवाद नहीं है, जिसका इस्तेमाल वो हमेशा भारत को नीचा दिखाने के लिए करता है। भारत में पकड़े गए आतंकियों के पास से चीनी हथियारों का मिलना इसका सबूत है। पिछले करीब 60 सालों से चुपचाप अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा चीन अब अपनी भारत विरोधी कुटिल चालों को खुलकर अंजाम देने लगा है। राष्ट्र की सुरक्षा के मद्देनजर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने और अपनी विदेश नीति को आकार देने में भारत की ढुलमुल नीति को भांपकर चीन ने 1962 में सीधे हमला करके लेह लद्दाख की हजारों वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसे हम आज तक छुड़ा नहीं सके हैं। इसके साथ ही चीन ने भारत के अभिन्न भाग अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार भी जता दिया। समंदर में चीन की सैनिक घुसपैठ निरंतर बढ़ती जा रही है। बर्मा, श्रीलंका और बांग्लादेश के चिटगांग समुद्री तटों पर चीन ने छोटी और बड़ी बंदरगाहें बनाकर छोटे और बड़े बंदरगाह बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में एक बड़ी सामुद्रिक शक्ति के रूप में उभर रहा चीन यदि इस क्षेत्र में अपने नौसैनिक ठिकानों को मजबूत कर लेता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। पूरे तिब्बत और लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर सैनिक कार्रवाई से जबरदस्ती कब्जा करने वाला चीन कश्मीर के एक तिहाई भाग पर भी इसी तरह कब्जा करने वाले पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। चीन का घिनौना और दो मुहा चेहरा इसी बात से पता चलता है कि चीन भारतीय कश्मीर को तो विवादित क्षेत्र मानता है, परंतु पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वो पाकिस्तान का इलाका मानता है। पाकिस्तान ने भारत के इसी POK से लगभग आधा भूखंड चीन के हवाले किया हुआ है, जिसमें लद्दाख के साथ लगता अक्साई चिन भी शामिल है। चीन ने इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, पन बिजली योजनाएं और बांध बना लिए हैं। वास्तव में ये सब कुछ
चीन के सैनिक ठिकानों का आधार बन रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान और चीन की संयुक्त भारत विरोधी सैन्य रणनीति अरुणाचल, तिब्बत, लद्दाख से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक वार करती हुई दिखाई देती है। इस संबंध में भारत द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों और विरोध पत्रों को चीन और पाकिस्तान दोनों ही रद्दी की टोकरी में फेंकते रहे, फिर भी हमारे हुक्मरान चुप हैं। वो बातचीत का हवाला दे रहे हैं, वो शांति की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि चीन अपनी कुटिल चाल में कामयाब हो जाए और आने वाली पीढ़ियां जब हमसे इसका जवाब मांगे तो हम उनसे नजरें चुराते हुए नजर आए। और आइए अब चीनी सामानों की बात कर लेते हैं। सस्ते में कई सारे फीचर देने वाली चाइनीज कंपनियों के उत्पाद बहुत खतरनाक साबित हुए हैं। कहीं इनके मोबाइल से खतरनाक रेडिएशन निकलने की खबर आती है, तो कहीं इनके मिलावटी खिलौनों से बच्चों में त्वचा के रोग की संभावना भी बढ़ जाती है। डॉक्टर्स का तो यहाँ तक मानना है कि चीनी मोबाइल से निकले रेडिएशन से इंसान बहरा या नपुंसक तक हो सकता है। कई जगह तो मानसिक संतुलन खोने की भी बातें सामने आई हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चीनी सामान भारतीय बाजार को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही ये लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ करते हैं। चीन हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता है, चीन हमारे अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करता है, चीन हमारे यहाँ पर दहशतवादी जो लोग हैं उनको समर्थन देता है, यहाँ के नक्सलवादियों को समर्थन देता है, चीन हमारे शत्रुओं के साथ दोस्ती करता है और चीन अब हमारे सीमा में भी घुसता है 1000 बार। ये सहनशीलता की पराकाष्ठा है। इस विषय पर आप कुछ करना होगा, नहीं तो चीन भारत को नपुंसक समझेगा और कभी भी हमला कर देगा। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का युद्ध का माहौल और मौसम था, युद्ध चल रहा था, उसी दौरान उसने ये कार्रवाई की थी। अब भी उन दोनों में यही स्थिति बन रही है, क्या ऐसे में फिर भारत के ऊपर चाइना अटैक कर सकता है? अटैक का एक और सूत्र होता है, जब देश सबसे ज्यादा कमजोर होता है, देश की लीडरशिप सबसे ज्यादा कमजोर होती है, आपस में मतभेद होते हैं, तब उस देश पर हमला करिए, क्योंकि कमजोर को हराना बहुत आसान होता है। ऐसे में इस देश के ऊपर हमला करने का सबसे सही समय चाइना अब मान रहा है और इसीलिए शायद उसने अपने कदम, अपने टैंक और अपना मोर्चा भारत की तरफ खोल दिया है। क्या है आपका कहना, कॉल करके आप कह सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, बोलिए। ये सब मैं आज के विषय पर कहना चाहता हूँ कि हम अपने भारत के जो रहनुमा है उनसे ये उम्मीद लगाएं कि वो चीन को कड़े शब्दों में जवाब दे, ये हमारा सोचना बहुत गलत होगा, क्योंकि ये नपुंसक है और इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे को 1962 की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। आज कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज इसको कड़े कार्य से, अपने कड़ी कार्रवाई से चीन को बता देना चाहिए क्या हमारे को भारत के अंदर प्रवेश करने का क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है। हमें अपनी सेना के ऊपर किसी प्रकार भी शक और शुभा नहीं है, हमारी सेना आज भी बहुत ताकतवर है, लेकिन हमारे रहनुमा अपने सैनिकों को आदेश नहीं दे रहे हैं। वो तो बात कहने की ये हो गई कि उसका चंदन जिसने खिलाला वो भी जिसने पड़ोसी को भी बुलाया। मैं ये कहना चाहूंगा ये तो खुद जो देश को लूट रहे हैं लेकिन इस देश को भी लुटाना चाहते हैं, और यदि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आपको बता दिया जाता कि चीन भारत के साथ यह जंग लड़ना कितना आसान हो सकता है या कितना मुश्किल हो सकता है। मैं यही कहूंगा कि नपुंसक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज हमारी सेना को आदेश देना चाहिए कि चीन को खदेड़ करके और वापस उसकी सीमा में भेज के उसके 10 किलोमीटर में घुस करके और हमारे टेंट लगा देना चाहिए। हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है, हमें ना जाए अपनी सेना के ऊपर तो चीन को औंधे मुंह पटक करके और कई बार पटक नहीं दे सकता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे को कार्रवाई की आवश्यकता है, लेकिन कड़े शब्दों में आपत्ति की। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही। आप भी क्या कहना चाहते इस विषय पर, आए रखते हैं, कॉल करिए। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे आप, बोले क्या? हाँ हाँ हाँ, सुरेश, माननीय सुरेश जी नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ, भारत में शासन कर रही कांग्रेस ने भारत को भ्रष्टाचार से इतना आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है कि उसका प्रभाव सैन्य तैयारियों पर भी पड़ रहा है। और आज भारत के पास आधुनिक हथियारों की भारी कमी है। ब्रह्म चलानी जो रक्षा विशेषज्ञ है उनके अनुसार
भारत पुराने हथियारों का कबाड़ खाना बन चुका है। रक्षा मंत्रालय ने 1,00,000 सैनिकों का स्ट्राइक कोर बनाने की योजना बनाई थी जो चीनी सेना के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आज वह आर्थिक अवरोध के चलते, आर्थिक कमी के चलते उसको रोक दिया गया। आज हमारे पड़ोसियों में भूटान को छोड़कर पड़ोसियों से किसी भी देश से पड़ोसियों से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। इस सरकार की विदेश नीति भी फेल हो चुकी है। चाइना राजनीतिक रूप से श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंदरगाह बना चुका है। हमारे विदेश मंत्री, देखिए इनकी बचकानी बातें देखिए, हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि अगर हमें घुसपैठ और चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा में प्रथम किसी को चुनना है तो चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा या किसी भारत का किसी स्वाभिमानी व्यक्ति का या ऐसा वाक्य हो सकता है। आज ठीक परिस्थिति 1962 में जैसी परिस्थिति थी वो ऐसी परिस्थिति आज खड़ी हो गई है। उस समय शीत युद्ध चल रहा था और क्यूबा ने अमेरिका के विरुद्ध जो है मिसाइलें तैयार कर रखी थी और आज भी वही स्थिति है। नॉर्थ कोरिया जो है धमकी दे रहा है युद्ध के लिए और यूरोप की हालत बहुत खस्ता है। अमेरिका जो है अफगानिस्तान से निकल रहा है, उसकी स्थिति नहीं है कि भारत को समर्थन कर सके और यह एक निराश दादागिरी है। लेकिन युद्ध जो है हौसले से लड़े जाते हैं, युद्ध जो है स्थितियों से नहीं लड़े जाते हैं। मैं इसके लिए कब्जा कहता हूँ कि सिंह का दहाड़ हो, बर्ज सा प्रहार हो, झुके नहीं, टूटे नहीं, बैठो नहीं घरों में, अब प्रवाह रुके नहीं, क्षमा नहीं कठोर बन, शत्रु पर प्रहार कर, भ्रष्ट हो गया है तंत्र इसको तार तार कर, स्वतंत्रता का शर्त है पछाड़ सो सुखो को तुम, सुख गया है सोत राष्ट्र भक्ति का अगर कहीं, इन देवद्रोहियों से मुक्त अब राष्ट्र कर, भौकता है चीन घर सीमाओं पर मेरे, शास्त्र रख शस्त्र ले अब इस स्वान का शिकार कर, कदम उड़ गए लद्दाख पर मेरे, लड़ाई आर पार कर, बीजिंग पर प्रहार कर, परमाणु का वार कर। धन्यवाद धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी, बोलिए सर जी। जो हमारी आज हालात हो रही बॉर्डर पे, जिस तरीके से हमारी सरकार मतलब कमजोर साबित हो रही है, इससे हमारे क्या मैसेज जा रहा है? ऐसा जब मैसेज जाएगा तो कल को बांग्लादेश भी घुस आएगा, कल को श्रीलंका भी घुसने की कोशिश करेगा, और भी मुल्क घुसना शुरू कर देंगे जब हम किसी को जवाब नहीं देंगे। इसके लिए हमारी सरकार क्या करने जा रही है? कुछ भी नहीं करने जा रही है। हमारे घर में वो बैठा हुआ है 10 दिन से, आज 19 किलोमीटर अंदर बैठा हुआ है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक हम कमजोर देश हैं? बिल्कुल धन्यवाद। अपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश तो वैसे भी घुस चुका है, 5 करोड़ के आसपास उसके नागरिक हमारे देश में वैसे ही घुस चुके हैं और यहाँ आने के बाद वो हथियार उठा रहे, लेकिन वोट के लालची हमारे यहाँ के कई राजनीतिक दल उनको दामाद बनाकर अपने घर में घुसाए रहे। और बांग्लादेश ने हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों का कुछ साल पहले कैसा क्या हाल किया था ये भी हम जानते हैं, फिर भी हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। न जाने इस देश की सरकारों को क्या हो गया है कि वो ऐसे देशों के खिलाफ भी अपने हथियार डालती है जिनके सामने भारत नाम लेने से ही कभी वो कांपते थे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। सीपी वशिष्ठ राजस्थान से बोल रहा हूं। आज के मुद्दे पर मेरा कहना है कि भारतवासी कमजोर नहीं है। हाँ अलबत्ता बागडोर कमजोर हाथों में है। चीन ने जापान जैसे राष्ट्र के साथ ऐसी ही हिमाकत की, परंतु जापान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। यहाँ सलमान खुर्शीद बयान देते हैं कि मई के अंत तक मैं चीन जाऊंगा। मेरे दृष्टिकोण में यदि मराठवाड़ा में कहीं भी पानी थोड़ा बहुत बचा हो तो उनको वहां जल समाधि ले लेनी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे यहाँ पर न जाने मंत्रियों को पोर्टफोलियो किस आधार पर दिए जाते हैं, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री बनाए किस लिए गए या किस पात्रता के आधार पर बनाए गए ये भी कोई नहीं जानता, न रक्षा मंत्री के एंटोनी रक्षा मंत्री क्यों बनाए गए ये भी कोई नहीं जानता। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जी चौहान जी नमस्कार। बोलिए। मैं त्रिपुंजय राय बोल रहा हूँ सऊदी अरबिया से। हाँ जहां तक मेरा मानना है चीन और भारत के मुद्दे पर एनर्जेटिक रूप से दिवालिया हो चुकी चूंकि ये सरकार हमें इसे हमें कोई आशा नहीं कर सकते। यह सरकार न खुद चुड़िया पहन रखी है बल्कि भारतवासियों को भी चुड़िया पहना रखी है। और यह सरकार यदि इतना डरपोक है तो फिर
अग्नि फाइव, ब्रह्मोस और सुखोई जैसे हथियारों का क्या हथियारों को रखने की क्या वजह बनती है? जहां तक मेरा मानना है कि चाइना अपनी बर्बादी के लिए, अगर चाइना की बर्बादी के लिए इंडिया काफी है, लेकिन अगर चाइना को अपनी बर्बादी का डर नहीं तो फिर भारत सरकार को अपनी बर्बादी का डर क्यों है? इस सब को लेकर भारत इंटरनेशनल लेवल पे अपनी ख्याति को, प्रतिष्ठा को दांव पे लगा रहा है और इसे आने वाले भविष्य में भारतवासियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और सरकार से अनुरोध करूंगा आपके टीवी के माध्यम से कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और चीन को एक ऐसी सबक सिखाए जो फिर वो जो 1962 की लड़ाई से वो अपने आप को वैसा कर चुका है कि अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार, मैं काटा जी उड़ीसा से विनोद अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ, आज हमारा देश का दुर्भाग्य है, कभी पाकिस्तान हमारे को आग दिखाता है, कभी चीन आग दिखाता है, और आज चीन हमारे सीमा के अंदर घुस आया और हमारे प्रधानमंत्री का अभी तक कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। तो मैं ये आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस टाइम पर हमारा देश ने पोखरण का परीक्षण किया था उस टाइम पर हमारे पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, उस टाइम पर अटल जी ने बहुत साहस दिखाया था और कहा कि तुम्हारा प्रतिबंध अगर तुम लगाते हो तो तुम्हारे प्रोडक्ट का भारत में मैं प्रतिबंध लगाता हूँ। उसने डर के मारे उसी तुरंत हमारे ऊपर में प्रतिबंध हटाया था। आज हमारे देश को प्रधानमंत्री को साहस दिखाने की जरूरत है। आज देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हमारे सेना में कोई कमी नहीं है, हमारे देश में कोई कमी नहीं है, तो ये सरकार क्यों डरती है इसका कोई समझ में नहीं आता है। तो आज हम यही चाहते हैं कि इन्होंने भी जैसे वाजपेयी जी ने साहस दिखाकर जो बातें कही थी, हमारे भी प्रधानमंत्री को यह साहस दिखाना चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन हम कारणों पे नजर डालते हैं कि क्या कारण है। पहले देखिए, भारत के लिए चिंता का विषय, पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान चीनी सैनिकों की उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय। चीन की नीयत पूरी दुनिया जानती है कि चीन दुनिया में अपने बाजार को बढ़ाते हुए अपने सामान का चारों तरफ विस्तार करना चाहता है, ये एक खतरनाक स्थिति है। चीन का लाइन ऑफ कंट्रोल, चीन का सीमा विवाद अन्य देशों के साथ हमेशा से ही रहा है, खासकर भारत के साथ चीन का अतिक्रमण गंभीर मुद्दा है। चीन की विदेश नीति, चीन ने अपने आप को एक सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है, $100 बिलियन से भी ज्यादा वो अपने रक्षा में खर्च कर रहा है, इसलिए उसकी विदेश नीति दूसरों को डिक्टेट करती है। दक्षिण चीन सागर का मसला, वियतनाम के साथ समझौता जिसके तहत भारत इस क्षेत्र में तेल खनन का कार्य कर रहा है और इस क्षेत्र में चीन अपनी संप्रभुता की बात करता है, चाइनीज प्रोडक्ट से भारतीय इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है जिससे प्रोडक्ट भारत में हावी हो रहा है। अगले कॉलर, नमस्कार। सर राजकुमार शर्मा सोनभद्र रेणुकूट से बोलिए। देश की सुरक्षा के बारे में अनजान और चीन के मामले में चुप रहने वाली हमारी सरकार इस संकट से टल जाने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस की सरकार को चीनी सेना की मंत्र का पता नहीं है। एक घटना 2010 में हुई थी जब जासूसी के इरादे से भारतीय सीमा में घुसे एक चीनी मानव रहित विमान को भारतीय सेना ने रॉकेट से उड़ा दिया था। उस समय इस आक्रामक गतिविधि के चलते चीन का मनोबल गिरा था। आज सरकार के पास देश की सैन्य क्षमता का उपयोग करने की हिम्मत और समझ दोनों का ही अभाव है, जिसके कारण चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत को आंखें दिखा रहा है। आज आवश्यकता है कठोर कार्रवाई करके सबक सिखाने की। वंदे मातरम। धन्यवाद। कॉलर अपनी बात रख रहे, आप सुन रहे कि कैसे लोग इस विषय पर कितने आक्रामक है और क्या कार्रवाई की अपेक्षा सरकार से रखते हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस विषय पर कोई कड़ा बयान तक नहीं दिया है। कड़ा कदम उठाना तो बहुत दूर की बात, हमारी सेना की ताकत बहुत बड़ी है। कभी सद्दाम हुसैन ने कहा था कि भारत के अगर 10% भी सैनिक मुझे मिल जाए तो मैं अमेरिका को हरा सकता हूँ। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ के हमारे सैनिकों के जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद होते हैं, उनकी मर मिटने के लिए जो तैयारी होती है, शहीदी के लिए जो तैयारी होती है वो दुनिया में किसी देश के पास नहीं होती, इतनी आक्रामक होती है, इतनी समर्पित होती है। ऐसे सैनिक होते हुए, इतने हिम्मत वाले सैनिक होते हुए भी जब देश का नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व जब सक्षम नहीं, हिम्मत वाला नहीं, तो सेना मजबूत होने के बावजूद भी देश कमजोर होता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रकाश है, बेंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ, चाइना तो ऐसे घुस रहा है जैसे कि
एक चूहे घुस रहे हमारे देश में, तो बस तो हमको विदेशी न्यूज को भगाना पड़ेगा सर, तभी हमारा देश वो कुछ कर पाएगा सर, कुछ न्यूज वाले दिखाते ही नहीं है, इसलिए विदेशी न्यूज को पहले भगाना पड़ेगा हिंदुस्तान से। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपका। सर मैं आकाश बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे चाइना हमें हर तरफ से घेरने में लगा हुआ है, कभी पाकिस्तान आंख दिखाता है, यहाँ तक कि आने वाले दिनों में तो छोटे छोटे राष्ट्र भी हमें आंख दिखाएंगे। इसका कारण ये नहीं कि हम बाहरी रूप से कमजोर हैं, बल्कि इसका कारण ये है कि हम आंतरिक रूप से कमजोर हैं। आज हम छोटे छोटे मुद्दों पर उलझे हुए हैं, हमारी केंद्र सरकार कोयला लूटने में लगी हुई है, 2G लूटने में लगी हुई है, बस इन्हीं चीजों में। मुलायम सिंह ने कल ही एक आतंकवादी को छोड़ा है और आतंकवादियों को छोड़ने की तैयारी में है, तो क्या इससे हमारे देश के रक्षा बलों का या जवानों का मनोबल नहीं गिरता? हम जान पर बाजी, जान की बाजी लगाकर देशद्रोहियों को पकड़कर लाते हैं और केंद्र सरकार सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के लिए इनको छोड़ देती है। बिल्कुल, चलिए हम इस मुद्दे पर जरूर आवाज उठाएंगे और देश को बोलने का मौका देंगे, लेकिन हम फिलहाल आज चाइना के विषय में आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं और इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। हाँ, यहाँ अब थोड़ी देर के रुकना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक का समय हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं, ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने 3-4 साल मुंह का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। वीडियोकॉन D2H हाई डेफिनेशन का डेमो चाहिए? हर HD चैनल इतना ही रियल दिखेगा। मिरर लाइक HD क्वालिटी विद मैक्सिमम असली HD चैनल्स ऑन वीडियोकॉन D2H। एक और डेमो मिलेगा। अगले महीने 30 की हो जाऊंगी। सो ओल्ड ना? बस यही बात समझ में नहीं आती। मैन के लिए 30 इज यंग और वुमन के लिए क्यों? 30 मींस ओल्ड, डल, बेजान। सो अनफेयर ना? लेट्स मेक इट फेयर। 30 के बाद त्वचा डल हो जाती है। न्यू फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो, इसका वीटा आहा कॉम्प्लेक्स सेल रिन्यूअल बढ़ाए और जवान निखार वापस लौटाए। अरे सारे मैगजीन्स में अब उसकी जगह तुम्हारा चेहरा। नॉट फेयर ना? फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो, जवान निखार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए हैं, क्या चाइना को सबक सिखाना जरूरी है? क्या कहना है आपका? अब तक के हर कॉलर ने इस बात से सहमति जताई है कि हाँ, चाइना को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन देश की सरकार है कि इस विषय पर मौन है, बल्कि चुप्पी साधे हुए है और उस चुप्पी का देश को मतलब समझ में नहीं आ रहा है और देश बिंदास बोल में कॉल करके अपनी बात को रख रहा है। आप भी रख सकते हैं अपनी बात और स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो आप स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप दोनों चीज़ों से, क्योंकि कई लाख लोग एक साथ प्रयास करते हैं इसलिए संपर्क नहीं हो पाता है, तो आप फेसबुक के ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिसको हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। ऐसी एक प्रतिक्रिया हमारे नेटिजन ने दी है कि यह अजीब देश है, इसका नाम
चीनी है लेकिन ये काम कड़वाहट का करता है, और दूसरी तरफ इसका दोस्त और हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, जिसमें जिसके नाम में तो पाक है लेकिन इरादे नापाक है। ये दोनों पड़ोसी नाम के विपरीत व्यवहार करने वाले भारत को हमेशा परेशान करते हैं, और इनके खिलाफ कभी ना कभी निर्णायक निर्णय करने की जरूरत है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ। हाँ, यह सवाल तब उठता है जब देश का कोई इष्ट हो, देश का नेतृत्व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों से जूझ रहा है। चीन दक्षिण और पूर्वी सागर में भी ऐसी हरकत कर रहा है। ऐसा देश जिसने हमेशा शत्रुता निभाई हो, उसे हाथ मिलाने से पहले कूटनीति के बारे में सोचा जाए, बाद में नहीं। संवेदनशील क्षेत्र को पुलिस को सौंपना कितना सही है? चीनी सैनिकों द्वारा सीमा पर 18 किलोमीटर आगे आकर टेंट गाड़ने के बाद विदेश मंत्री का बयान, चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा बचाने को प्राथमिकता देना जरूरी है। इस समय सबक सिखाने के लिए उसके किसी अन्य इलाके पे तंबू गाड़ दिया जाए, लेकिन जो नेतृत्व आजादी को, हजारों शहीदों की क्रांति को दरकिनारा कर शांति के रास्ते पर निरुद्देश्य खुद भी व देश को भटका रहा हो, उससे कोई भी उम्मीद करना बेमानी है। कदम उठाना तो चाहिए, उठाए कौन? नमस्कार, धन्यवाद। कौन उठाए, इसका जवाब है कि सरकार ने उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार ही देश की सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी लेती है और ये उसी का काम है, हालांकि देश की जनता का भी काम है। वो चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ बायकॉट करना चाहिए, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर, बोलिए। मैं आपके माध्यम से इस देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, हाँ, कि जब अपने घर की बारी आती है, हाँ, जब लोग इकट्ठे होते हैं, इस देश की जनता इकट्ठी होती है, इनके घर की तरफ जाती है तो ये लाठी चार्ज करते हैं, हाँ, लाठी चार्ज करते हैं। और जब दुश्मन देश आके हमारे घर में बैठ गया, तब इनसे जवाब नहीं दिया जाता। ये सब बैठे हैं हमारे ऊपर लाठी चार्ज करने के लिए, इनमें दम नहीं है कि उसको जवाब दे पाए चाइना को। थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने कही है। इस देश की जनता के द्वारा चुने गए, जनता के प्रतिनिधि कहने वाले, जनता के रहनुमा बनकर सरकार में कुर्सी पर बैठने वाले नेता अपने घर के आसपास भी किसी को भटकने नहीं देते। अगर वहां इस देश का नागरिक आता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, उनके ऊपर पानी की तेज बौछार की जाती है, यहां तक कि उस पानी में गटर का पानी मिलाया जाता है जिससे कि लोगों को खुजली हो, गंदगी आए और वहां से भाग जाए। लेकिन इन नेताओं के घर के पास आने वालों के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन इस देश की सीमा के अंदर घुसकर आने वालों के खिलाफ कुछ नहीं। अगले कॉलर। हाँ जय सर, बिहार चौधरी जोधपुर से बोल रहा हूँ सर। मैं बोलिए, अपने पार्लियामेंट ऐसी है जो नाचने वाले, गाने वाले, डाकू, लुटेरे, इनसे कौन रहा, चीन करते छोटा केस मिल सकता सर। जय सर, धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ एमएमएस हमारे पास है, उनके पास चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। जो हरकत कर रहा है उसका जितने भी तरीके हैं, कड़े से कड़ा विरोध किया जाए। हर तरीके से विरोध करना जरूरी है, सरकार ने तो करना चाहिए, लेकिन सरकार अभी भी घंटे और दिन और कैलेंडर गिनने पर लगी हुई है, और उनको चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा उससे पहले ज्यादा जरूरी है। बल्कि सरकार ने कहना चाहिए था, जब तक हमारे सीमा के बाहर चीनी सैनिक नहीं जाते, हम चीन के प्रधानमंत्री को भारत में नहीं आने देंगे। लेकिन शायद हमें ज्यादा जरूरत है ये दिखाते हुए हम उनका रेड कार्पेट बिठाकर स्वागत कर रहे हैं। अगले कॉलर के पास। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। सुरेश जी, ऐसा है, जिस देश की सरकार, जिस देश का राजा कमजोर होगा, उस देश का भगवान भी भला कर सकता है। हमारे मनमोहन सिंह जब पाकिस्तान के सैनिकों ने अंदर घुसपैठ की और उसके बाद हमारे सैनिकों का सर काट के ले गए, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और पाकिस्तान के पीएम हमारे आए और उनकी मेहमाननवाजी की। अब चाइना घुसपैठ कर रहा है, चाइना तो, लेकिन मनमोहन जी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। इन निकम्मी सरकार के पल्ले कुछ भी नहीं है। एक हमें कमजोर नेता की बजाय एक जाबाज नेता की जरूरत है, जो
धन्यवाद, बड़ा अच्छा उदाहरण याद यहाँ पर इन्होंने इतिहास की दिए है और इतिहास दोहराने जा रहा है। पाकिस्तान ने हमारे देश के सैनिकों के सर काटे, फिर भी वहां के प्रधानमंत्री को हमने यहाँ पर आकर अजमेर में सर झुकाने के लिए रेड कारपेट बिछाया और उसको मेहमान नवाजी की, बिरयानी खिलाया। विदेश मंत्री उनके प्रोटोकॉल के लिए जयपुर गए। चाइना ने देखा कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क, उसके लिए भी अगर भारत ये रवैया अपनाता है तो हमें कुछ भी वो हमारा बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तान के कृति की पुनरावृत्ति चीन कर रहा है। अगले कॉलर, नमस्कार। नमस्ते सुभाष जी, मैं दीपक बोल रहा हूँ दिल्ली एनसीआर से। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जैसे मेरे घर में अगर कोई चोर घुसे आता है, सबसे पहले मैं उसको उठा के बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, है ना, पिटाई करता हूँ और उससे बातचीत नहीं करता हूँ। यहाँ पर देश में घुसे आए हैं, इनसे बातचीत नहीं करी जाएगी, इनको अभी डंडे देंगे, इनसे रिटेलिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आप है ना ऐसे नहीं करेंगे तो आपको कमजोर समझा जाएगा। और जिस चीन की बहुत बड़ी साजिश है, प्लानिंग है मुझे लग रहा है, जो वो भारत को पूरी तरीके से कैप्चर करने की पूरी कोशिश बना ली उन्होंने, और ये और इस समय इसका सबसे बड़ा रिटेलिएशन हमको इससे अपफ्रंट काउंटर रिटेलिएट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता कुछ। और दूसरा है, जितने भी जो हमारे समान विचारधारा से जूझ रहे चीन से, जो कोरिया, वियतनाम, ये जो कंबोडिया, जितने भी देश हैं उनसे सबसे मित्र समझी करके हमको तुरंत इस पे उस चाइना को घेरना चाहिए, क्योंकि चीन ऐसा कमजोर देश नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोच के करता है। तो हमको बिल्कुल, और ये ऐसा लग रहा है जो सरकार चला रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये चीन के तो कहीं एजेंट नहीं है, जो चीन का पक्ष लेके चीन से बातचीत करने के लिए अपने प्रधानमंत्री को की यात्रा को बचाने के लिए बकवास करते हैं, है ना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लोग अलग अलग तर्कों के साथ इतिहास को याद करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। वैसे तो चीनी समस्या भी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देन है। जिस तरीके से उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और हमारी सीमा जो चीन के साथ तय होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उसका फायदा उठाकर अब भी चीन हमको धमकाता रहता है, हमारे प्रदेशों पर अधिकार बताता है और कभी इस देश के पीठ में खंजीर खुपा डालने वाला ये चीन दोबारा अब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर वही कार्रवाई करने जा रहा है, लेकिन हम कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार ने जैसे कुछ करने की जरूरत है, वैसे जनता भी बहुत कुछ कर सकती है, उस दिशा में जाएंगे, लेकिन पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकारें हैं, वर्तमान सरकारें हैं, वो लूट को ध्यान में रख के शासन करती है। सरकारें देश चलाने नहीं आती, सिर्फ सत्ता तो बैठ के लूटने के लिए आती है। जो चाइना की सरकारें हैं, वो चाइना की सरकारें देश की सुरक्षा को और अपने विकास को लेकर ध्यान में रख के काम करती है। अपने वहाँ पे सब चीज को, जो सैनिक है, सैन्य शक्ति को सबको बढ़ा कर रखती है, और हमारी सरकारें सिर्फ आप नेता बन के बैठते हैं। जो आज वर्तमान में जो बैठी है, ये तो सिर्फ लुटेरी सरकारें हैं, जो पहले डाकू होते थे, वो डाकू आज सत्ता को बैठ गए हैं जाके। तो हमको भी चीन पे हमला करना चाहिए और उसको जवाब देना चाहिए, और चाइना को एक भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, अगर हमें भारत से थोड़ा बहुत भी जो है प्यार है तो, भारत भूमि से। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो सर, बोलिए। नमस्कार, मैं सोनू मिश्रा बैंकाक से बोलता हूँ सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सोनिया गांधी जो काला धन रखी है चाइना के बैंकों में जमा है, अतः सोनिया अपने जमा है अपने संबंधों का इस्तेमाल कर रही है सर, भारत से हमला करवा रही है सर। धन्यवाद। एक और ये मुद्दा है, ये मुद्दा भी ये है कि जैसे अब यूरोपियन देशों में आर्थिक संकट गहराया हुआ है, वहाँ के बैंकों में जो काला धन रखा जाता है उसके ऊपर पूरे दुनिया की नज़र आने के कारण, और भारत ने रामदेव बाबा और तमाम देशभक्तों के आंदोलन के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना है, और उस कारण यूरोपियन देशों में से पैसा निकालकर कई राजनीतिक दलों ने, कई राजनीतिक नेताओं ने चाइना के बैंकों में रखा है, क्योंकि वहां पर डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति है, और अगर एक व्यक्ति को वहां पर कन्विंस किया जाए तो और किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में चीन के बैंकों में भारत के नेताओं के पिछले कई सालों से जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसको भी बचाने के लिए उस सरकार के साथ देश के कुछ निर्णायक लोग दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते, ये भी एक एंगल आगे आ रहा है।
अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ सर बोलिए। हेलो क्या कहेंगे? हेलो हेलो सर नमस्कार। हेलो हेलो मैं पलामू झारखंड से आलोक कुमार सक्सेना बिंदास बोल के दर्शकों को जय हिंद करता है। वर्तमान सरकार की है या तो सर्वविदित है, इनको घोटाले करने से फुर्सत ही नहीं है। चीन पाकिस्तान का अघोषित आक्रमण कभी नहीं दिखाई देगा। वर्तमान सरकार तो गद्दारों की फैक्ट्री है। अतः मैं यह कहूंगा कि भारत की जनता को सद्बुद्धि दे और सही चुनाव करे। भारत माता की जय। धन्यवाद। हम अब यहाँ पर परिणामों पर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर यही चलता रहा तो। गुलाम कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी सैनिकों की उपस्थिति होने से यहाँ भारत विरोधी ताकत और गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान एक दबंग राष्ट्र के रूप में कायम की है, जिससे भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन सीमा विवाद का हल नहीं चाहता। उसकी मंशा भारत के साथ विवाद कायम रखने की है, ताकि वो जब भी चाहे भारत के क्षेत्र में मुंह उठाए दाखिल होता रहे और विवाद का हल हमेशा उसकी शर्तों पर हो। चीन रक्षा बजट पर बिलियन डॉलर का खर्च अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते हुए दुनिया को डराने के लिए करता है। तेल की कमी का सामना भू राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र कई देशों की सीमाओं से लगे हैं। सस्ते दामों के कारण लोगों का चाइनीज बाजार पर रुझान होगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर होगा। ये परिणाम होंगे और इन परिणामों को अगर हम और विस्तार से देखेंगे तो ये हमारे देश के रक्षा के साथ समझौता है, इस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ समझौता है। चीन हमारे साथ क्या नहीं करता। चीन ने भारत का नाम बदनाम करने के लिए कई अफ्रीकी देशों में जहां पर सस्ती दवाइयां चलती हैं वहां पर ऐसी दवाइयां अपने देश में बनाकर वहां बेची जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। लेकिन जब भारत के कुछ मित्रों के ध्यान में ये बात आई, उन्होंने इसका सोर्स पता किया, तो वहां के सरकार के भी ध्यान में आया कि आने वाली दवाइयां तो आ तो चीन से रही है लेकिन नाम मेड इन इंडिया रख रही है, क्योंकि भारत का दवाइयों का जो व्यापार दुनिया भर में फैला हुआ है उसको अगर तोड़ना है तो चीन ने ये सही तरीका अपनाते हुए भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था, लेकिन भारत ने उसका भी जवाब नहीं दिया। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार वहाँ पे उनको कोई चुनौती नहीं दे सकती तो कम से कम दिल्ली पुलिस को इस काम के लिए लगा दिया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस को काफी एक्सपीरियंस है अपना नेताओं की जैसे सुरक्षा करते करते, उनको काफी अपना है एक्सपीरियंस कि वो शायद इनको रोकना। धन्यवाद धन्यवाद, आपने बात कही है, लेकिन इस विडंबन के पीछे भी एक बड़ा दर्दनाक वास्तव है। जो दिल्ली पुलिस हमारी माता भगिनियों के ऊपर हो रहे बलात्कार को रोक नहीं सकती, वो सीमा पर भारत माता पर हो रहे बलात्कार को रोकने की कीमत ही नहीं रख सकती, तो उनको वहाँ पर कैसे लगाया जाए। दिल्ली पुलिस तो फिर अगर कहीं पर लगाई जा सकती है तो पाकिस्तान सीमा पर लगानी चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो नमस्कार। नमस्कार सर, मनीष अरोरा बात कर रहा हूँ रुद्रपुर उत्तरांचल से। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आज श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री बाबा रामदेव जी के सुविचार सुनने को मिले। बाकी कई न्यूज चैनलों ने इस कार्यक्रम को नहीं दिखाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं जो है इस कार्यक्रम में सामने आए। दूसरा सर मैं चीन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि चीन को सबक सिखाना कांग्रेस के बस की बात नहीं है सर, ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट और नपुंसक हो चुकी है। जैसा कि चीन के बारे में सर सभी जानते हैं कि जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था तो हमारे देश का 72,000 वर्ग मील हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें हमारा पवित्र स्थान कैलाश मानसरोवर भी शामिल है। वो हिस्सा आज तक कांग्रेस की सरकार चीन से वापस नहीं ला सकी है। अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा भी चीन अपने नक्शे में दिखाता है, उस पर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और अब तो हमारे देश में 10 किलोमीटर तक चीन ने घुसपैठ भी कर दी, उस पर भी सरकार चुप है। तो ये कांग्रेस की सर बात नहीं है, जब तक ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट आई है कि दिग्विजय सिंह को
चीन की सीमा पर भेजना चाहिए, तब वो अपनी होशियारी वहां पर चाइना के साथ बातचीत में दिखाए। बाबा रामदेव और देश के देशभक्तों के खिलाफ बोलने वाले दिग्विजय सिंह अब कहां गायब है, चाइना विषय पर क्यों नहीं बोल रहे, ये सवाल उठाया गया है। कई एमएमएस हमारे पास है, कुछ एमएमएस देखते हैं। चाइनीज माल में हमारे यहाँ गणेश की मूर्ति से लेकर और पिचकारी जैसे छोटे सामान तक भी इंडिया में इंपोर्ट किए जा रहे हैं, और चाइना जो लगातार घुसपैठ कर रहा है इंडिया में, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं पिछले भी कार्यक्रम में कई बार चाइना के विषय पे कह चुका हूँ, जो बात यहाँ पर एमएमएस में हमारे दर्शक ने कही है कि चाइनीज प्रोडक्ट जो भगवान की मूर्तियां आती है गाड़ी में लगाने से लेकर घरों में रखने से लेकर हमारे सार्वजनिक उत्सवों में, वो लक्ष्मी की पूजा हो या फिर वो दुर्गा की पूजा हो या गणेश की पूजा हो, बड़े बड़े पैमाने पर चाइना से ये मूर्तियां भारत में आती हैं और हम उसको खरीद कर त्यौहार मनाते हैं। लेकिन देखिए, इस देश के दुश्मन देश में बनी हुई ये मूर्तियां आपको कभी भी आशीर्वाद नहीं दे सकती, कभी भी आप ऐसे मूर्ति के द्वारा पूजा करके उसका फल प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दुश्मन को आप हमारे खिलाफ गोला बारूद खरीदने के लिए उस मूर्ति को खरीद कर उसको पैसे दे रहे हैं। इसलिए हमें आज ये संकल्प लेना पड़ेगा, इस कार्यक्रम के बहाने, इस घटना के बहाने, चाइना की इस कृति के बहाने हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि इस देश में कभी भी हम किसी भी भगवान की मूर्ति, विदेश में बनी हुई मूर्ति नहीं लेंगे। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार, मैं गायत्री बोल रही हूँ दिल्ली से। बोलिए। ये सरकार दोनों गालों पर थप्पड़ खाने वाली है, ये सरकार कमजोर नहीं है, ये सरकार दोनों गालों पर जूते भी खा सकती है। जूते खाने के बाद कहेगी कि हमने तो चाइना को कूटनीति से हरा दिया, टुकड़े टुकड़े करके चाइना को सारी जमीन दे देगी। जय हिंद। देखिए देश के लोगों की सरकार के प्रति क्या राय है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ सुरेश जी, मेरा नाम प्रतीक बुद्धदेव है, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। बोलिए। अच्छा सुरेश जी, ये कांग्रेस के इतने सारे भ्रष्टाचार है, इस बात की क्या गारंटी है कि 19 किलोमीटर की सीमा बेच नहीं दी चाइना को? ये भी हो सकता है क्योंकि ये कांग्रेस के हाथ में अभी कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। चीन में अभी 9 तारीख को विदेश मंत्री जा रहे हैं, तो अभी इतना दिन क्या करेंगे? हमारे देश में अभी ये लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे भी ढक रहे हैं इस बात से। अभी आज कश्मीर में भी आतंकियों ने हमला किया हमारे पुलिस जवानों पे, ये खबर भी अभी आ रही है। धन्यवाद। तो जब हवा में स्पेक्ट्रम को बेच दिया उसमें करप्शन हुआ, जब जमीन के नीचे कोयले को बेच दिया उसमें करप्शन हुआ, जब जमीन के नीचे गैस की खदानों को बेच दिया, हमारे यहाँ पर जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर और हवा में, आकाश पाताल और भूमि, सब जगह पर जब करप्शन है तो सीमा पर भी करप्शन नहीं है क्या? ये सवाल तब और ज्यादा मजबूत होता है जब सरकार उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने के बजाय चुप बैठती है। क्या कहना है आपका? आप अपनी राय दे सकते हैं। और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन मैं आपको एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ और मसला कॉल के बीच में बताना चाहूंगा कि भारत में जो टेलीकॉम इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, खास करके वायरलेस इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जिससे आपके हमारे मोबाइल फोन चलते हैं, इंटरनेट कनेक्शन चलते हैं, ये चाइनीज प्रोडक्शन नहीं लेना चाहिए। यह भारत सरकार का एक निर्णय है, यह निर्णय सारी कंपनियों को दिया गया है और उनसे अंडरस्टैंडिंग ली गई है। लेकिन प्राइवेट कंपनियां तो छोड़िए, भारत सरकार की बीएसएनएल ने ऐसे इक्विपमेंट लिए, वो इंस्टॉल किए, वो चल रहे हैं, जो चाइना से प्रतिबंधित होने के बावजूद भी लगाए गए हैं। ये वो सारे प्रोडक्ट है जो आपके कॉल के डिटेल को चाइना को मुहैया कराते हैं। अब आपके बीबी के साथ बात कर रहे हैं या कोई व्यावसायिक बात भी कर रहे हैं या भारत का कोई मंत्री भी कोई कॉन्फिडेंशियल बात अपने सैनिकों के साथ या सचिवों के साथ या पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा होगा, तो चाइना ये अपने यहां ट्रैक कर सकता है। और यही बात हमारे देश के दुश्मनों को, आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को मुहैया कराई जाती है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित होती है। अगले कॉलर। हाँ बोलो। नमस्कार, बोलिए। हाँ हेलो, क्या कहेंगे? हाँ जयंत सर, मैं बोल रहा हूँ कि सलमान खुर्शीद 9 तारीख को जो जापान जा रहे हैं, हाँ चीन, बोलिए बोलिए आप। हाँ सलमान खुर्शीद 9 तारीख को जो चाइना जा रहे हैं, क्या वो हाथ पैर जोड़ के माफी मांगने के लिए? बिल्कुल, ये सवाल का जवाब सलमान खुर्शीद को देना होगा। धन्यवाद।
मैं कॉलर को कहूंगा कि अपनी बात को आप लगातार रखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। सत्यानंद पायल्स एवं रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और हमारे साथ हैं स्वामी सत्यानंद पायल्स एवं रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र सिंह। नमस्कार। डॉक्टर उमेश कुमार, प्रोक्टोलॉजिस्ट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो छोटी सी लापरवाही के कारण एक खतरनाक रूप ले सकती है। ये बीमारी है पायल्स या फिशर। ये बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी बच्चे, महिला या पुरुष को हो सकती है। अधिकतर लोग इसकी शुरुआत में लापरवाही कर बैठते हैं, घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं व बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए ही अपनी मर्जी से दवाई लेते हैं, जिसके कारण ये बीमारी भयंकर रूप ले लेती है। इस बीमारी में गुदा में जलन, खुजली होना, खून आना, अंदर व बाहर मस्से होना आदि कई लक्षण हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे हॉस्पिटल के आयुर्वेदाचार्यों ने बड़े परिश्रम और रिसर्च के बाद 100% आयुर्वेदिक रामबाण औषधि अर्सुनिश पिल्स व ऑयल का आविष्कार किया है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब आप घर बैठे ही 1 महीने तक इस दवाई का सेवन करके ठीक हो सकते हैं। अगर आप अर्सुनिश के बारे में या अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहते हैं या फिर इस दवा को मंगवाने के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें। अर्सुनिश को आप केवल टीवी पर दिए गए नंबर पर फोन कर मंगवा सकते हैं। ये दवाई किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। दवाई की कीमत का भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर, चेक, ड्राफ्ट या कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। 1 महीने का कोर्स केवल 1 अर्सुनिश पैक में उपलब्ध है। ऑर्डर देने के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन मिलाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि चीन को सबक सिखाना चाहिए। क्या है आपका इस विषय पर कहना? आप कॉल कर अपनी बात को रख सकते हैं। चलते हैं अगले कॉलर के पास। राजीव भाई कटकर, हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। इन्होंने मनमोहन जी को बिठाया हुआ है उसी पर प्रधानमंत्री है। ये प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है। इनको दरबार साहब को भेजो कि फाड़ फूट करे, अपना अगला सुधार करे। इनको चाहिए मोदी को बिठाओ, अपना देश बचाओ। ये तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। इनको दिस नहीं रहा कि चीन कहां पर आकर बैठ गया इनके सिर पर। धन्यवाद मनमोहन जी। आपको शायद महिलाओं की बात ज्यादा जल्दी समझ में आती होगी, तो हमारी इस कॉलर भगिनी की बात को समझ लीजिए, आपको क्या संदेश दे रही है। अगले कॉलर। जी सर, मैं लंदन से बोल रहा हूँ, पंकज कुमार। बोलिए बोलिए। तो ये करने चाहिए कि बार बार ये जो जवाब दे रहे हैं चाइना वाले कि हम अपनी जमीन में ही है, कि ये इनको दिखता नहीं है कि किसकी जमीन है, और ये भारत सरकार क्या कर क्या कर क्या कर क्या रही है, इनको दिखता नहीं है। इनको कुछ करना चाहिए। जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हाय सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, चीन के तो क्या है, ये सरकार अमेरिका के आगे गिरवी रख चुके हैं इस देश को 40 साल के लिए। हाँ। GDP के मामले में, इसलिए ये अमेरिका के कहने के बगैर 1 इंच भी नहीं हिल सकती है सरकार। सलमान खुर्शी इसलिए जा रहे हैं, अमेरिका ने परमिशन दी होगी कि चाइना के विदेश मंत्री आने से पहले तू वापस जाओ। जिस अमेरिका ने हमारे देश को 1971 में जो पाकिस्तान के बैठला जो बांग्लादेश जो बना है उसमें जो है 2 बम लेके जो है स्मृति जी उसमें आ गया था बंगाल की खाड़ी में, इस भारत ने हमारी सरकार ने जो है उस टाइम भी यही सरकार थी उस दोस्त को खो दिया है। हमारे जितने दोस्त है सब जो है कुछ चीन की तरफ जा रहे हैं आज, और रूस जो है चीन की तरफ जा रहा है।
और जो दूसरे पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं, जब तक उसने आज तक पाकिस्तान को हथियार नहीं दिए थे, लेकिन इसने आज ये करने के बाद में जब ये दूसरे देशों से दोस्ती तोड़ के दुश्मनी करे, हमारे दोस्त अच्छा दोस्त रूस था वो भी टूट के गया और चीन को जो है पूरा सपोर्ट कर रहा हो गया है, इसलिए ये अमेरिका के आगे घुटने टेका, उसके बिना एक इंच नहीं हिल सकता है और 40 साल के लिए गिरवी रख दिया है इस देश को इन्होंने। धन्यवाद। हमारे देश में विदेशों की जो हस्तक्षेप है वो इतने बड़े पैमाने पर है कि भारत की विदेश नीति दूसरे देश तय करते हैं। भारत का अर्थमंत्री कौन हो, यहाँ का रक्षा मंत्री कौन हो, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन हो, ये तय करने के भी आरोप अमेरिका के ऊपर लगते हैं। और हालांकि अमेरिका और चाइना की दुश्मनी है, लेकिन कई बातों पर चाइना अमेरिका को भी झुका चुका है और शायद हो सकता है कि किसी त्रुटि के अंदर उन्होंने चीन चाइना ने अमेरिका को मना लिया हो कि भारत में फलाने विषय पर जब हम घुसपैठ करेंगे तो आप भारत का साथ नहीं देंगे, उल्टा आप उसके रसूख का उपयोग चीन के खिलाफ भारत को रोकने के लिए करेंगे, ये भी हो सकता है। ऐसे आरोप भी लगना कोई नई बात नहीं हो सकती है। चीन की भारत में जो कार्रवाइयाँ होती है उनमें और कुछ कार्रवाइयों का उल्लेख यहाँ पर अगर करें तो भारत में जो चॉकलेट आते हैं जो हमारे छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग खाते हैं, जिसमें 1 रुपए में 4 चॉकलेट मिलने से लेकर 200-300 रुपए तक के जो चॉकलेट है, इन चॉकलेट में ऐसे पदार्थ पाए गए हैं जिससे नपुंसकता हो सकती है। भारत में लोग उसको खाने वाला नपुंसक हो सकता है, उसके आने वाली अगली पीढ़ी भी नपुंसक हो सकती है। ऐसा उसमें केमिकल है, उसमें इस तरीके की रसायन डाले हुए हैं कि जिसके द्वारा भारत के ये पीढ़ी को ही पूरी तरीके से बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन पैसों को देखकर हम उन चीज़ों को खरीदते हैं और सस्ते दामों पर मिलने वाली ये चीज़ें हमारे महंगे जीवन को खराब कर देती है। अगले कॉलर। नमस्कार जी, ठीक है, बोलिए। स्टार्ट क्या कहेंगे? नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। नमस्कार सर, ये कहना चाह रहे हैं सर, जो ये जो हम बोल रहे हैं कि जो चाइना वाले जो हमारे इंडिया में 10 किलोमीटर अंदर जो घुस गए हैं, हमारी सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही। मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, और हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही, यानी कि कोई मसला नहीं। पाकिस्तान का थोड़ा सा मसला होता तो पूरा इंडिया यानी कि उसके लिए हंगामा खड़ा कर देता है कि ये है वो है। अभी चाइना घुस गया तो उसके लिए सब एकदम दिपकी साधे हुए हैं, यानी कोई किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, किसी भी नेता के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। धन्यवाद। हम एक एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। चीन को भारत के साथ सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि अभी चीन ने भारत के बॉर्डर पे जिस तरह कब्जा किया है, आगे धीरे धीरे चल के वो ऐसा हो सकता है कि वो पूरे भारत पे कब्जा कर ले और एक तरह से भारत को हत्या ले। चीन के जो भारत में और भी कई कार्रवाइयाँ है, उन कार्यों में अगर हम बच्चों के लिए जो खिलौने मार्केट में आते हैं उन खिलौनों के ऊपर जिस प्रकार का कलर होता है या उसका जो प्लास्टिक होता है, जो उसका मटेरियल होता है, वो ऐसे दर्जे का बनाया जाता है कीमत कम करने के लिए और साथ में भारत में कुछ बीमारियां फैलाने के लिए। यहाँ पर आने वाले बच्चों के आंखें कमजोर हो, उनके हाथ में अगर वो जाता है या वो मुँह से भी उसको लगाते हैं तो उसके केमिकल के द्वारा उनको कैंसर तक की बीमारियाँ हो सकती है। ऐसे वैज्ञानिक रिपोर्ट भारत सरकार को मिलने के बावजूद भी ऐसी चेतावनी जारी करके सरकार चुप बैठती है, लेकिन उस माल को भारत में आने से रोक नहीं पाती है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, मैं फरीदाबाद से राकेश जोशी बोल रहा हूँ। बोलिए सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे जो विदेश मंत्री हैं सलमान खुर्शीद साहब, उनपे कुछ इल्जाम लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने, तो उन्होंने बड़ा आक्रामक जवाब दिया था कि मुझे कलम से लिखने के लिए कहा गया लेकिन मैं लहू से भी लिख सकता हूँ। इतना खतरनाक बयान एक विदेश मंत्री, पढ़ा लिखा सो कॉल्ड बोला जाता है जिन्हें, और उन्होंने बोला लहू से, इस पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया उनके स्टेटमेंट पे, और आज जब लहू से खेलने की, लहू की बात करने की जरूरत आ रही है देश के लिए, तो उनकी बोलती बंद है, वो तो एकदम बिल्ली की तरह मिमिया रहे हैं बिल्कुल, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं जैसे चाइना प्लीज खाली कर दो हमारी जगह, क्यों नहीं हम 10-15 किलोमीटर चाइना के अंदर घुस जाते और हम बोले जब तुम हमारी चौकी खाली करोगे, जब हम तुम्हारी चौकी ये खाली करेंगे। इस तरह के हमें भी आक्रामक कदम उठाने चाहिए, उनके व्यापार पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक हमारा नुकसान होता है उनके साथ व्यापार करते हैं, हम आयात ज्यादा करते हैं निर्यात कम करते हैं। इस तरह हमारे जो विदेश मंत्री है खासकर उन पे ध्यान देने की जरूरत है, ये बिल्कुल भी लायक नहीं है विदेश मंत्री होने के,
और वैसे तो सारी सरकार ही निकम्मी है, लेकिन इनपे विशेष ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बिरयानी खिलाते हैं जो कि हमारे सैनिकों के सिर काट के। धन्यवाद, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर ने बड़ी अच्छी याद दिलाई है, सलमान खुर्शीद साहब देश भूलता नहीं। अगर आपको लगता है कि जनता भूल जाती है तो बिल्कुल नहीं, लोग याद रखते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आंदोलनकारी आने के लिए आप उनको रोकने की बात करते हैं, वापस न जाने की धमकी देते हैं और पेन में शाही डायकल डालकर लिखने के बजाय लहू से खून से लिखने की बात करते हैं, तो तब आपका जो शौर्य था, तब आपकी मर्दानगी थी, अब वो कहां गई जब भारत के लिए उसको उपयोग में लाने की बारी आई है, तो अब क्यों दुम दबाकर भाग रहे हैं? ये देश का सलमान खुर्शीद को सवाल है। आइए उपाय देखते हैं कि क्या हो सकता है। सरकार को ऐसे भारत विरोधी ताकतों को धाराशाही करना होगा और उसके लिए एक अलग उन्नत तकनीकी व्यवस्था को तैयार करना होगा। भारत को अपने सीमाओं पर चौकसी के साथ साथ मित्र राष्ट्रों के साथ साठगांठ को भी मजबूती प्रदान करनी होगी। इसके साथ साथ उत्पादन क्षेत्रों में भी ध्यान देना होगा। भारत अपनी सीमाओं पर निगरानी के लिए जीपीएस सिस्टम लगाए, जिससे कि चीन को इस बात का प्रूफ दिया जा सके कि आपकी सेना का अतिक्रमण किया जा रहा है। इन सब के लिए भारत को सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है। इसके लिए जापान, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों से सीखना चाहिए। इन देशों ने सख्ती दिखाई तो चीन पीछे हट गया था। भारत को भी चाहिए कि दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करे और चीन जैसे देशों को सैन्य अभ्यास के बहाने मुंह तोड़ जवाब दे। सरकार को करारा जवाब देना होगा। तेल खनन के मुद्दे पर सरकार को बिना किसी समझौते के चीन को सख्त जवाब देना चाहिए। चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार सरकार और भारतीय बाजारों को करना होगा। ये मुद्दे के ऊपर आपने जो प्रतिक्रिया दी हमने आपके सामने रखी, लेकिन आज की प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चाइना के खिलाफ, चाइना की कार्रवाई हमारे खिलाफ जितनी हुई है उसकी लिस्ट गिनाने में ही हमारे घंटों निकल जाएंगे, लेकिन हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। सरकार भले इसको छोड़ दे, लेकिन हम इसको पकड़ के रखेंगे तब तक कि चाइना के सैनिक हमारे सीमा से बाहर जाते नहीं। उसका हथियार जैसे सरकार के पास है वैसे ही जनता के पास है, इसलिए बायकॉट चाइना का भी हमको नारा देना होगा। और विश्व विषय पर भी हम जल्दी ही आपके सामने, चाइना के ऊपर हम आर्थिक नाकेबंदी कैसे कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को कैसे रोक सकते हैं और उनका यूज करने से हमको क्या नुकसान है और उसका भारतीय ऑप्शन हमारे पास क्या उपलब्ध है, ऐसे सारे विषयों पर अगर हम काम करेंगे तो चाइना का हजारों लाखों करोड़ रुपए का माल जो भारत में आता है वो अगर रुक जाएगा तो ये एक कारण या एक नाक दबाने का तरीका चाइना का हो सकता है, जिससे कि उनका मुंह खुल सके। आप हम ये सब मिलकर ये प्रयास करते हैं कि इस विषय में हम कुछ काम कर सके। हम देश के तमाम समाजसेवी संस्थाओं को, कार्यकर्ताओं को ये प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं कि हम जब बिंदास बोल का विषय डिक्लेयर करते हैं तो अगर आप उस विषय पर अपने काम करते हैं, आपके पास रिसर्च रिपोर्ट है तो आप हमको ज़रूर भेजिए, आपके आंकड़े आपकी जानकारी हम इस कार्यक्रम में डालकर इसको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम आपको एक और आह्वान करना चाहते हैं कि आप जैसे कॉल करते हैं या स्काइप के द्वारा भी वीडियो कॉल करते हैं, इसमें कई बार समय की बर्बादी होती है, इससे भी अच्छा आसान तरीका हम आपको बताते हैं कि आप अपना वीडियो आपके वेब कैम के द्वारा आपके लैपटॉप पर, आपके मोबाइल पर रिकॉर्ड करिए और उसको 10 से 20 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करके हमको bindasbol@sudarshantv.com पर भेज दीजिए, या हमारा जो फेसबुक अकाउंट है facebook.com/sudarshan news, इस पर उसको अटैच कर दीजिए, हम ऐसे वीडियो को यहाँ पर दिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया हम तक जो आएगी, हम देश और दुनिया के सामने आपकी आवाज़, हमारा विषय बुलंद करने के लिए रखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मेरी टीचर कहती है कि खाना हमेशा शेयर करना चाहिए। हाँ हाँ। हेलो, टीचर ने नहीं सिखाया क्या? शेयरिंग। ताजे फलों से बना किसान जैम, खाना बन जाए दिलचस्प। दूजे के लिए कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर UPS और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। टीटैनस क्रीम कर रही है सिर्फ आधा काम।
सांवलापन तो हल्का करे मगर दाग धब्बों पर है दे असर। पॉन्स व्हाइट ब्यूटी करे पूरा काम, ये न सिर्फ रंगत निखारे बल्कि दाग धब्बों को भी घटाए। नतीजा निखरी बेदाग त्वचा सिर्फ 7 दिनों में। पॉन्स